बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अल्ताफ़ खान एंड आई एम सर्विंग एज अ मैथमेटिक्स टीचर एट पिशावर मॉडल स्कूल नौशेरा कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, समर वेकेशन टास्क मई के हवाले से आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे फार्मूला रिगार्डिंग एक्सरसाइज 4.4। यानी एक्सरसाइज 4.4 में जो फार्मूला यूज़ होता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फार्मूला। फार्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारे पास फार्मूला है जो एक्सरसाइज 4.4 में यूज़ होगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आता है लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी। यानी इसको 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए को ए प्लस बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो आपके पास आएगा प्लस, और उसके बाद बी आप लिखें और बी को आप ए प्लस बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद प्लस सी को आप मल्टीप्लाई कर लें ए प्लस बी प्लस सी के साथ, तो आपके पास आ जाएगा। अब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस, ए को आप बी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए बी आएगा प्लस, ए को आप सी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए सी आ जाएगा, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो आपके पास प्लस आएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बी ए या ए बी आ जाएगा, उसके बाद प्लस बी को आप बी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी इज़ इक्वल टू बी सी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए सी ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाई बी तो आपके पास सी बी या बी सी आएगा प्लस सी मल्टीप्लाई बाई सी तो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट आप टर्म्स को अरेंज कर लें तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को आप एज इट इज़ लिखें, उसके बाद आपने लिखना है बी स्क्वायर। ये जो आपके पास बी स्क्वायर का टर्म है इसको आप आगे ले आएँ, यानी ये वाला, उसके बाद आप सी स्क्वायर वाला टर्म आगे लेके आएँ तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए बी, उसके बाद यहाँ पे आप देखें ए बी भी 2 टाइम्स हैं, एक ए बी आपके पास ये है और नेक्स्ट आपके पास ये है, तो आप दोनों ए बी इसको एक साथ लिख लें, यानी ए बी प्लस ए बी, उसके बाद बी सी भी आपके पास 2 टाइम्स हैं, यानी बी सी और एक बी सी आपके पास ये रहा, तो आप बी सी और बी सी को कंबाइन कर लें। इसी तरह ए सी और सी ए, सी ए या ए सी दोनों सेम हैं तो आप सी ए और सी ए को कंबाइन कर लें तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। अब ए बी प्लस ए बी इज़ इक्वल टू 2 ए बी, सिमिलरली बी सी प्लस बी सी इज़ इक्वल टू 2 बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए इज़ इक्वल टू 2 सी ए। तो आप यहां से आप 2 को कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब इन तीनों टर्म्स में आपके पास 2 कॉमन है, क्लियर, यानी ए बी के साथ भी 2 कॉमन है यानी 2 है, बी सी के साथ भी आपके पास 2 है और सी ए के साथ भी आपके पास 2 है, तो आप 2 को कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये इसका राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू -4। यानी आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है अगर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी और
बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यूज़ गिवन हो। तो सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ को प्लेस कर लें तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 5 आएगा इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको हमने एज इट इज़ लिखना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, प्लस 2 अपनी जगह पे और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो क्या है हमारे पास -4। अब 5 स्क्वायर से आपके पास आएगा 25 प्लस सॉरी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो आपके पास माइनस आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 8। अब 8 को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो आपके पास आएगा 25 प्लस 8 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 25 प्लस 8 को अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33 और ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 38 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 38 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास गिवन है। अब फॉर्मूला आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले आपने वैल्यूज़ को प्लेस करनी है तो आपने चूंकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसको आप एज इट इज़ लिखें इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसकी वैल्यू हमारे पास है 38 तो आप यहाँ पे 38 पुट कर लें। उसके बाद प्लस 2 आएगा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास है -1 तो उसको आप उठा के यहाँ पे प्लेस कर दें। अब हमारे पास आ जाएगा 38 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 2। 38 माइनस 2 करें तो आपके पास आ जाएगा 36। अब हमने कैलकुलेट करनी है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो आपने स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे आप स्क्वायर रूट लें यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो आपके पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू अगर 36 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। तो ये आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 10 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 11। आपने अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास इस तरह आएगा। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ को प्लेस कर दें तो आपके पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 10 है तो 10 को उठा के आप यहाँ पे प्लेस कर लें। उसके बाद प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 11 तो 11 को आप उठा के यहाँ पे प्लेस कर दें। अब 10 अपनी जगह पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 11 तो आपके पास आ जाएगा 22। अब 10 प्लस 22 से आपके पास आएगा 32। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स का आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 32 अंडर द रूट। अब 32 का अगर हम डायरेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो उसका आंसर पॉइंट्स में आएगा तो हम क्या करेंगे 32 को हम स्प्लिट करते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2 में। अब जो स्क्वायर रूट है वो 16 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है तो जब आप 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 और 2 अंडर द रूट आपके पास एज इट इज़ आएगा तो ये आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी।
अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 56। अब सबसे पहले हमारे पास गिवन में है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 56। फॉर्मूला आप यूज़ करें तो आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो आप फॉर्मूले में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर लें, आपके पास आ जाएगा 12 स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है 56। तो इसकी जगह पे आप पुट कर लें 56 प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज। अब 12 स्क्वायर अगर आप फाइंड करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 से आपके पास आता है 144, तो आपके पास आ जाएगा 144। और ये जो 56 है इसको आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास आ जाएगा 144 माइनस 56 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 144 से अगर आप 56 को माइनस करेंगे तो आपके पास 88 आता है, क्लियर। अब 88 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 करें तो आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 2। 88 डिवाइडेड बाय 2 से आपके पास आता है 44, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आप लोगों ने इसको लर्न किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।